नत प्रणाम, जय श्री चक्रधर। आज 25 जनवरी, आज के दिन भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी, मतलब हमारे साधनदाता परमेश्वर अवतार, ये डोमेग्राम के नज़दीक घोगरगांव नाम के स्थान पर है। इस स्थान का महत्व कुछ अलग है। नेवासा से आते हुए भगवान जी वहाँ पर रात को जाते हैं। वहाँ पर जो गांव था, उस गांव के बाउंड्री पर जाने के बाद भगवान जी अपने जो भक्त मंडली थे उनको भगवान जी कहते हैं, हम आए हैं, ये संदेश हम गांव को क्यों न दे। तो सबको बोलते कि आप एक काम करो, जैसे वो लोमड़ी होती है उसके जैसे आप आवाज़ निकालो। भक्तजन बोलते हैं कि हम उनके जैसा आवाज़ नहीं निकाल सकते भगवान जी। तो बोलते आप क्या कर सकते हो, तो हम ये कुत्ते जैसा आवाज निकाल सकते हैं, मतलब जैसा कुत्ता भौंकता है वैसे हम अपने मुख से निकाल सकते हैं। तो भगवान जी बोले ठीक है, आप वो ऐसा करो। तो सभी भक्तजन जोर जोर से आवाज करने लगते हैं। अब उनका आवाज सुनने के बाद गांव में जो कुत्ते होते हैं उनको लगता है कि उधर से कोई भौंक रहा है, तो ये कुत्ते भी इधर से भौंकना शुरू कर देते हैं। अब इधर से भौंकते हैं तो गांव में पूरा आवाज हो जाता है, बाहर भी आवाज, इधर भी आवाज। तो ज्यादा प्रकार का आवाज होने की वजह से गांव में सभी लोग जाग जाते हैं। जो शाम का वक्त होने के बाद सब सोए रहते हैं, लेकिन आवाज होने के बाद सब लोग जाग जाते हैं और उनको ऐसा लगता है कि गांव लूटने के लिए लुटेरे आए हुए हैं। इसलिए वो रात भर जगते हैं, गांव जगता है। भगवान जी वहां पर शाम ईंटों से बना हुआ एक ऐसा गड्ढा होता है, उसको अग्निष्टक बोलते हैं मराठी भाषा में, वहां पर भगवान जी रात को रुकते हैं। सुबह का प्रातः विधि होने के बाद गांव के जो महाजन होते हैं, मतलब गांव में कुछ प्रतिष्ठित लोग होते हैं जिनको महाजन कहा जाता है, वो लोग भगवान जी, उनको पता चलता है भगवान जी आए हुए हैं, भगवान जी को मिलने के लिए वो वहां पर जाते हैं। भगवान जी को पूछते हैं कि स्वामी जी आप जीजी कब आए आप। भगवान जी बोलते हम रात को आए। अच्छा, तो वो बोलते हैं रात को तो यहाँ पर पाइक आए थे, मतलब यहाँ पर दरोड़ेखोर भी आए थे, यहाँ पे लूटने वाले लोग भी आए थे, लेकिन आप यहाँ आने की वजह से उन्होंने गांव को लूटा नहीं और वैसे ही चले गए, ऐसा वो बोलते हैं। भगवान जी भक्तों की तरफ बोलते हैं और भगवान जी हास्य करते हैं कि देखो इनको मन में क्या लगा, हमने रात को आवाज की थी तो उनको लगा कि पाइक आए, मतलब लूटने वाले लोग आए हुए है। इस प्रकार की ये लीला घोगर गांव की है। आज के दिन हमने इस लीला का अध्ययन करना है कि भगवान जी ने उस गांव का एक प्रकार का डर समाप्त किया हुआ है। भक्तजनों के माध्यम से भगवान जी ने डर को समाप्त किया कि वो पाइक लोगों को जो डरते थे वो डर को समाप्त किया है और अपने भक्तों को कुत्ते जैसा आवाज निकालने को कहा। इसलिए किस लिए कहा वो, क्योंकि उनके जो अनंत जन्म होते हैं, मनुष्य ने अपने कर्मों के आधार पर बहुत से नरक यातना जोड़ के रखी है, लेकिन भगवान जी हर चीज में अलग अलग क्रियाओं के द्वारा उनके वो उतने उतने जन्मों को भगवान जी बाजू करते चलते हैं, वो संन्यास में उनका लाभ होता है। ये संन्यास का विशेष महत्व है। अब हम हैं असन्न्यास में, हमारे लिए क्या है, तो एक भक्त होता है जिस जो भगवान की सुनता है इसलिए उसको संन्यास है। एक भक्त होता है जो असन्निधान में रहकर भी भगवान की आज्ञाओं का पालन करता है, उसको भी संन्निधान कहा गया है। तो हमारे लिए भगवान की आज्ञा कहाँ मिलेगी, हमें हमारे लिए भगवान की आज्ञा मिलेगी 1238 सूत्रों में। सूत्रों में जितना भगवान में हमारे लिए आज्ञा बोली हुई है उन आज्ञाओं का पालन करना, यानी भगवान के संन्निधान में रहना। अब उन सूत्रों की जानकारी लेना अत्यंत आवश्यक है। ये जानकारी आप अपने गुरु से भी ले सकते हो या अलग अलग तरीके से, अभी समाज में बहुत ज्ञान बट रहा है, आप किसी भी क्लास में ज्वाइन हो जाओ, आपको कहीं पे भी ज्ञान मिल सकता है। तो आज के दिन हमने इतना ही इस लीला का अध्ययन करना जरूरी है कि भगवान जी ने किस प्रकार से उस गांव का डर समाप्त किया, और भगवान जी से प्रार्थना हमने करनी है कि भगवान जी आपने जैसे उस गांव का डर समाप्त किया, उस भक्तजनों का कुत्ते का जो जन्म था वो आपने बाजू कर दिया, उसी प्रकार हमारे भी जो नरक के जन्म है वो आप बाजू कीजिए और हमारे मन में जो भय है वो भय भी आप समाप्त कीजिए। क्योंकि भय जब तक रहेगा तब तक हम निडर होकर जी नहीं सकते, और निडर होकर जी नहीं सकते तो हम ईश्वर के आचरण में भी लग नहीं सकते। हमको डर लगता है, हम संन्यास ले, मेरे को वहां जाके कैसा होगा, मेरा कैसा होगा, मेरे को खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, रहना मिलेगा, मार्ग में हम रह नहीं सकते क्या, कैसे होगा, ये जो मन में डर है ये सब डर भगवान जी को अगर हम प्रार्थना करेंगे भगवान जी हमें शक्ति देंगे और हमारा ये डर हरदम
और हर क्षण में खत्म हो सकता है, बस हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। आज के दिन इतना ही काफी है। आपने सबने इस लीला का अध्ययन करना है, घोघर गांव नाम का स्थान है उसका चिंतन करना है और आज का दिन पूरा इसी में लगाना है। दंडक प्रणाम, जय श्री चक्रधर।